अनार ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होता है बल्कि ये कई तरह की बीमारियों को दूर करने में भी फायदेमंद होता है। अनार हर मौसम में मिल जाता है लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। अनार के छिलके भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल करने से हम बड़ी से बड़ी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि एक अनार सौ बीमार, जिसका मतलब ये है कि अनार हमें सौ तरह की बीमारियों से बचाता है। अनार में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, फोलेट, जिंक, मैग्नीशियम, सिलीनियम और फोलिक एसिड भरपूर मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीवायरल खसूसियात भी पाई जाती हैं, जो हमारे जिस्म में कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं अनार खाने से होने वाले फायदों के बारे में। अनार निज़ाम हाजमा को ठीक करने में काफ़ी मुफीद होता है। ये पेट, जिगर और दिल से मुतल्लिक बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी मददगार होता है। ये पेशाब से मुतल्लिक बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। जिसका पेशाब सही तरीके से ना निकलता हो उसे अनार का जूस रोजाना पीना चाहिए। इसके इस्तेमाल से भूख लगने लगती है, खाना भी आसानी से हजम हो जाता है और निज़ाम हाजमा भी मजबूत होता है। अनार एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयरन से भरपूर ये फल जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करके रेड ब्लड सेल्स की तादाद में इजाफा करता है। ये खून में हेमोग्लोबिन की मकदार को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। विटामिन सी और आयरन से भरपूर होने की वजह से ये फल एनीमिया की अलामात से लड़ने की ताकत रखता है। एनीमिया से छुटकारा पाने के लिए सुबह नाश्ते में एक कप अनार का जूस जरूर पीना चाहिए। अनार में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी स्किन की बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, इसलिए चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के लिए रोजाना एक अनार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से चेहरे से झुर्रियां बहुत जल्द खत्म होने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता छाइयां भी आपके चेहरे से गायब हो जाएंगी। अनार का जूस कील मुहासों को दूर करने में काफी मददगार साबित होता है, इसलिए रोजाना अनार का जूस पीने से कील मुहासों से छुटकारा पाया जा सकता है। अनार में विटामिन सी भरपूर मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होता है और हम कई तरह की छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हैं। अनार में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। इस फल में पाए जाने वाले विटामिन सी और फोलिक एसिड दांतों से पीलापन हटाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये दांतों में कीड़ा लगने, दांतों से पीप आना, मसूड़ों में सूजन जैसी बीमारियों से बचाता है। रोजाना अनार के इस्तेमाल से हड्डियों और जोड़ों के दर्द को आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा रोजाना अनार का जूस पीना भी फायदेमंद साबित होता है। अनार में भरपूर मकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमें फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। फ्री रेडिकल हमारे जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अनार के बाकायदा इस्तेमाल से आप कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, जिससे आपको दिल की बीमारियां नहीं होती। हमारे खून में बहुत सारे बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिल की बीमारियाँ लग जाती है। अनार हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हमारा दिल सेहतमंद रहता है। ये बात शायद सबको ना पता हो कि अनार में प्योनिक एसिड पाया जाता है और इसका इस्तेमाल जिल्द पर करने से ये हमारी जिल्द को पूरी तरह से मॉइस्चराइजर करने में हमारी मदद करता है। अनार में पाई जाने वाली एंटी एजिंग खसूसियात हमारी अंदरूनी और बैरूनी जिल्द को पूरी तरह से महफूज रखती हैं। अनार जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ने से रोकता है। अनार के इस्तेमाल से ब्रेस्ट, फेफड़ों और स्किन कैंसर दूर होता है। कैंसर से बचने के लिए आप रोजाना अनार का इस्तेमाल जरूर करें। अनार खाने से दिमागी ताकत बढ़ती है, साथ ही भूलने की किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने में भी मददगार होता है। दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए बाकायदगी से अनार का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई हामला औरत रोजाना अनार का जूस पीती है तो बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। हामला औरतों के लिए अनार का जूस बेहद फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले फोलिक एसिड, विटामिन और मिनरल्स हमल के दौरान काफी फायदेमंद होते हैं। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।